कंप्यूटर नेटवर्क्स IPv4 हेडर पार्ट 3। सो इसमें हम नेक्स्ट रो को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है टाइम टू लिव, विच इज ऑफ 8 बिट्स। टाइम टू लिव का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पैकेट जो है सोर्स डेस्टिनेशन की तरफ सेंड कर रहा है उसके कोई पर्टिकुलर लिमिट है और वो होता है टाइम टू लिव, और उसको हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, 8 बिट्स में रिप्रेजेंट होता है। इट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स ए डाटाग्राम कैन टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। मींस फॉर एग्जांपल कि सोर्स ने कोई भी पैकेट सेंड किया और ऑब्वियसली वो गो थ्रू होगा डिफरेंट राउटर्स से, जिसको हम यहाँ पर होप भी बोल रहे हैं, इसको स्विच भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्विचेस से होकर जाएगा और यहाँ पर सोर्स जो है वो डिसाइड करेगा कि कितने हॉप्स वो ले सकता है डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेन रीज़न क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कि जो TTL है सोर्स ने डिसाइड किया है कि ये 4 होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट राउटर पर गया, ये जो TTL है, जो राउटर्स होंगे जैसे ही ये फर्स्ट हॉप पर पहुंचा या राउटर पर पहुंचा, ये नंबर डिक्रीमेंट हो जाएगा और ये डिक्रीमेंट कौन करेगा, राउटर करेगा। ठीक है, जैसे इसके पास पैकेट आया है TTL 4 नंबर का, ये इसको डिक्रीमेंट करके आगे पास कर देगा। और जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, नेक्स्ट राउटर भी सेम चीज़ करेगा कि ये आगे पास करने से पहले इस नंबर को डिक्रीमेंट कर देगा। फर्दर जैसे कि फाइनली, जैसे जैसे एक नंबर डिक्रीमेंट हो गया और फाइनली ये डेस्टिनेशन के पास पहुंच गया, जब तक जो नंबर है वो 0 हो गया है। ठीक है, 0 होने का मतलब क्या है कि अब क्योंकि चाहे वो एक राउटर है या फिर वो डेस्टिनेशन है, बट नंबर 0 होने का मतलब है कि पैकेट अब आगे नहीं जाएगा, कोई और हॉप नहीं लेगा। सो TTL का मतलब क्या हुआ कि सोर्स डिसाइड कर रहा है कि एक्चुअल में कितने TTL, मतलब कितने हॉप वो ले सकता है, और ये नंबर्स की फॉर्म में होता है और जिसको हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें बताना है कि कितने हॉप ले सकता है, क्योंकि हो सकता है कि डेस्टिनेशन बहुत दूर हो और टाइम लग सकता हो, बट यहाँ पर मेन पर्पस क्या होता है कि हम अवॉइड करना चाहते हैं लूपिंग। जैसा कि हमने राउटिंग एल्गोरिथम्स में पढ़ा था अभी पिछली वीडियोस में, कि कुछ केसेस में क्या होता है कि ब्रॉडकास्टिंग होती है, ठीक है, फ्लडिंग भी होती है पैकेट्स की। अब कुछ केसेस में क्या होगा कि फ्लडिंग के केस में जो पैकेट है वो लूप बना लेते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में डेस्टिनेशन के पास ना जाकर, ठीक है, डेस्टिनेशन के पास नहीं रीच कर पा रहे हैं, बट वो कुछ ही राउटर्स के बीच में लूप बन गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ दिखाया कि यहाँ पर लूप बन गया और ये पैकेट बार बार यहाँ घूमता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ये एक एक राउटर के पास जा रहा है, हर एक राउटर क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है, और जैसे ही यहाँ पर लूप पर घूमते हुए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तब ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो ट्रैफिक कुछ टाइम के लिए यहाँ पर पैकेट घूम रहा था, क्योंकि ये बाकी पैकेट्स को आगे नहीं जाने दे रहा, ऑब्वियसली ये बफर में स्पेस ले रहा है, ट्रैफिक जो नेटवर्क है उसका लिंक यूज़ कर रहा है, तो इसका डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही ये TTL 0 हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले राउटर यहाँ पर पहुँचा, TTL 4 था, बट यहाँ पर इसको नहीं पता कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में इस पैकेट को भेजना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, राउटर क्या है, राउटर के पास टेबल है, ठीक है, राउटिंग टेबल है, उसको यूज़ करके ही वो फर्दर आगे भेज रहा है, बट इसको अभी आइडिया नहीं है कि कहाँ भेजना है। तो हर एक राउटर के पास जितने भी लिंक्ड राउटर होते हैं, किसी एक को वो क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउटर बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको नहीं पता कि पैकेट किसको भेजना है, बट फिर भी इसने क्या किया, आगे जो भी इसका डिफ़ॉल्ट राउटर था उसको भेज दिया कि अब ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम देखो कि आगे, मुझे नहीं पता ये डाटा पैकेट एक्चुअल में जाना कहाँ है। तो हो सकता है कि इसकी टेबल में कहीं ना कहीं मेंशन हो कि आगे कौन सा पाथ है, ठीक है, बट इसको भी नहीं पता, ये भी क्या करेगा, अपने डिफ़ॉल्ट राउटर को सेंड कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसको भी आइडिया नहीं हो रहा कि पैकेट को एक्चुअल में भेजना कहाँ है, तो ये भी अपनी राउटिंग टेबल के अकॉर्डिंग जो डिफ़ॉल्ट राउटर है उसी को सेंड कर रहा है, और एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका डिफ़ॉल्ट राउटर यहाँ बैक यहाँ पर ही है। अब इसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि लूपिंग हो रही है, कि पैकेट ये आपस में ही भेज रहे हैं और इनको नहीं पता कि पैकेट भेजना का है। तो इस केस में क्या होगा, TTL जैसे ही 0 हो जाएगा, पैकेट ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगा और सोर्स को पता चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक, जैसे कि हमने पिछली काफ़ी टॉपिक किए हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसके लिए भी, कि पैकेट अगर वहाँ से जो है
एरर आती है या फिर कुछ भी आता है तो सोर्स को पता चल जाता है, ठीक है। बट मेन यहाँ पर क्या है कि टाइम टू लीव जो है वो क्या काम करता है कि डिसाइड करता है कि कितने हॉप्स एक सिंगल पैकेट ले सकता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और अगर ये TTL 0 हो जाता है, चाहे वो किसी भी राउटर पर है या फिर वो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जैसे ही यहाँ पर अगर 5 होता इन केस, तो यहाँ पर रीच करते करते फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्ट राउटर्स ने यहाँ पर पैकेट पहुँचा दिया, बट ये 0 ना होके ये 1 है, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो जो पैकेट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो TTL नंबर है वो 0 या फिर उससे ज्यादा हो सकता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ लिया गया, और शॉर्टेस्ट पाथ लेने के केस में जो TTL है उसकी वैल्यू अभी तक 0 ना हुई हो, तो उस केस में भी पैकेट एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल 8 बिट्स का होता है। अब प्रोटोकॉल, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स होते हैं। हम मेंशन करते हैं जो हम पैकेट में डाटा भेज रहे हैं वो उसके लिए रूल्स क्या हैं, किस तरह के रूल। मतलब आप डेस्टिनेशन को प्रिपेयर करते हो कि हम इस तरह का पैकेट भेज रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक पिक्चर सेंड की है, और जो डेस्टिनेशन, उसे पता होना चाहिए कि किस टाइप का मैसेज है, ठीक है। उसको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा, जो भी उसके अंदर जो भी वो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम कि सॉफ्टवेयर यूज करने वाले, तो उसको आइडिया होना चाहिए कि मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वहाँ प्रोटोकॉल में पता होता है, रूल्स पता होता है कि किस टाइप का पैकेट है, किस तरह का पैकेट है, उसकी क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। सो यहाँ पर प्रोटोकॉल 8 बिट्स का है। अब ये रूल्स हम यहाँ 8 बिट्स में कैसे बताएंगे। सी, यहाँ पर नंबर यूज होता है। नंबर किस तरह का, सी पैकेट किस टाइप का हो सकता है। यहाँ पर जो मेनली होता है वो है ICMP, IGMP, TCP या फिर UDP, ठीक है। और इनके लिए फिक्स नंबर होते हैं, ICMP के लिए 1, IGMP के लिए 2, और TCP के लिए 6, और UDP के लिए 17, ठीक है। और ये हम नंबर क्यों दे रहे हैं हेडर में, ठीक है। हमें पता है डाटा है, किसी टाइप का डाटा है, बट यहाँ पर ये क्या करता है कि जो डाटाग्राम है वो किसको बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी सिंपल एग्जांपल लिया कि जो डाटाग्राम, मतलब ये जो हमारा डाटा है प्लस हेडर है, ये जितना भी पार्ट है वो किस टाइप का है, क्योंकि TCP के अलग रूल होते हैं, UDP के अलग रूल होते हैं, टोटली डिपेंड करता है कि पैकेट किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये बताएगा डेस्टिनेशन को कि ये पैकेट एक्चुअल में, ये जो डाटाग्राम है वो किसको बिलोंग करता है, ठीक है। और इनको अगर हम दूसरे जो एक्चुअल टेक्निकल वर्ड्स में अगर हम बोले, इन अदर वर्ड्स इट टेल्स द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल टू द नेटवर्क लेयर एट द डेस्टिनेशन साइट, ठीक है। अभी जब हम लेयर्स करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें, बट ये एक्चुअल में क्या कर रहा है कि नेटवर्क लेयर को बता रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल है, नेक्स्ट लेवल के रूल्स हैं वो क्या हैं डेस्टिनेशन लेवल पर, राइट। तो हमने जैसा कहा कि ये 8 बिट्स का है, ये नंबर्स हैं, नंबर्स को हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो होता क्या है, व्हेन डाटाग्राम रीचेज एज राउटर, राउटर मतलब एक सोर्स है, एक डेस्टिनेशन है, बीच में राउटर्स हैं जो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये किसी भी राउटर के पास पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट राउटर है वहां पर बफर फुल है, ठीक है, मतलब उसने और भी पैकेट जो है अभी सेव कर रखे हैं और बफर फुल है, तो उस केस में वो क्या करेगा, सिंपली जो पैकेट है उसको रिजेक्ट कर देगा। बट ये डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं होता, वो क्या चेक करता है, प्रायोरिटी चेक करता है। प्रायोरिटी क्या मतलब, वो किस टाइप का मैसेज है, किस टाइप का पैकेट है। यहाँ पर हर एक टाइप के मैसेज के लिए क्या होती है, प्रायोरिटी डिसाइड होती है। और अगर पैकेट जो है जो आ रहा है वो अगर हायर प्रायोरिटी का है, तो वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी उसके बफर में पैकेट हैं और उनमें से जिसकी भी जो प्रायोरिटी है वो कम है, उसको डिस्कार्ड करके वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और फर्दर उस पर वर्क करेगा, ठीक है। सो बिफोर डिस्कार्डिंग राउटर चेक्स द नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल नंबर, दीज नंबर्स मैंशन इन इट्स IP हेडर, ठीक है, ये IP हेडर का ही पार्ट है। इफ द डाटाग्राम बिलोंग्स टू TCP देन इट ट्राइज टू मेक रूम फॉर द डाटाग्राम इन इट्स बफर। TCP क्यों, TCP जो है उसकी हायर प्रायोरिटी होती है। हायर प्रायोरिटी क्यों होती है, क्योंकि TCP जो है बहुत ही रिलायबल प्रोटोकॉल होता है और इसको ईजिली डिस्कार्ड करना आसान नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि
क्योंकि जैसे ही ये डिस्कार्ड होता है डाटाग्राम, वैसे ही दोबारा से ये पैकेट घूमकर आने वाला है, ठीक है? देन इट विल बी सेंट अगेन बाय द सेंडर. जैसे ही डिस्कार्ड होगा सेंडर फिर से पैकेट भेजेगा. मतलब टीसीपी की रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो पैकेट बार बार भेजता रहेगा जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाता डेस्टिनेशन लेवल पर, ठीक है? तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो यहाँ पर मैंने आपको मैंशन भी किया है जो ऑर्डर है एलिमिनेट करने का वो क्या होता है, आईसीएमपी. मतलब सबसे पहले आईसीएमपी को डिस्कार्ड करना है, ठीक है? इनमें से कोई भी टाइप का पैकेट है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्कार्ड करेंगे, फिर आईजीएमपी को, फिर यूडीपी को और फिर टीसीपी को, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इन केस अगर एग्जांपल लेते हैं कि सभी पैकेट टीसीपी के ही हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पैकेट डायरेक्टली डिस्कार्ड कर देगा क्योंकि ऑलरेडी हायर प्रायोरिटी के पैकेट्स इसके पास हैं और सबकी सेम प्रायोरिटी, तो उस केस में जो नया पैकेट आया उसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर राउटर हैज ओनली थ्री लेयर्स, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ठीक है? यहाँ ये बताने का मतलब क्या है कि जैसा मैंने कहा कि डाटा जो है पिक्चर की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, या किस फॉर्म में, या किस टाइप की प्रायोरिटी है, वो यहाँ पर आप डाटा देख कर नहीं बता सकते. जो राउटर्स हैं, राउटर्स जो फॉरवर्ड कर रहे हैं आपके पैकेट्स को, उनको अलाउड नहीं है डाटा देखना, तो उनको नहीं पता चलेगा कि डाटा क्या है. तो ये क्या होता है, बट वो हेडर देख सकता है. तो हेडर में ये प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताता है, एक नंबर बताता है, और उस नंबर से जो है बिना देखे डाटा को जो राउटर्स हैं उनको पता चल जाता है ये किस टाइप का डाटा मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और मुझे इसकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? सो द नेक्स्ट इज हेडर चेकसम. हेडर चेकसम का 16-bit फील्ड होता है, ठीक है? हेडर चेकसम, जैसे कि हम चेकसम की वीडियो पहले कर चुके हैं, चेकसम क्या होता है कि सम चेक करते हैं, बिट्स चेक करते हैं, ठीक है? यहाँ पर हेडर चेकसम है. हेडर चेकसम मतलब ये जो पूरा हेडर है जो अभी तक हम स्टडी कर रहे हैं, हेडर में कोई बिट चेंज ना हो गई हो, कोई एरर ना आ गई हो, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप पैकेट सेंड करो उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेस्टिनेशन के लेवल पर एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो अगर चेकसम की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब फॉर एग्जाम्पल चेकसम का जो कॉन्सेप्ट है हम ऑलरेडी कर चुके हैं डीप में, तो अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आए क्योंकि मैं डीप में नहीं जाने वाली, तो आप एक बार चेकसम का वीडियो देख लेना, ठीक है? बिट्स जो है अगर चेंज हो जाते हैं तो मतलब क्या है, एरर है और वो पैकेट रिजेक्ट होगा, ठीक है? अब यहाँ पर जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, अभी जो हमने लास्ट टाइम किया था कि सोर्स एक TTL लगाता है, टाइम टू लीव, ठीक है, 4, 3, 2, 1, हर एक राउटर पर ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं. और ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, और भी बहुत सी वैल्यूज हैं जो चेंज होती हैं, जैसे कि ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं राउटर के बीच में जाते जाते हैं. और हम क्या कह रहे हैं, हेडर चेकसम, मतलब हेडर जो है उसमें अगर कोई भी चेंज हो रहा है हमें पता चल रहा है बिट्स में, ठीक है, और वो रिजेक्ट होने वाला है. बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हर एक राउटर से पास करते हुए बहुत सी वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं, मतलब पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें जो हैं राउटर अपडेट करता हुआ चलता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया था कि TTL 4 है, ठीक है, जैसे ये डिक्रीमेंट करेगी वैल्यू को राउटर, ये क्या करेगा, चेकसम की वैल्यू को भी चेंज करेगा. जो हेडर में चेकसम में जो TTL की वैल्यू होगी, ठीक है, वो भी चेंज करेगा. इससे क्या होगा कि ये सो दैट कि जब नेक्स्ट राउटर को ये पैकेट रिसीव हो, तो चेकसम की वैल्यू और जो नई वैल्यूज मैंने चेंज कर दी हैं वो मिसमैच ना हो जाए, जिससे कि डाटाग्राम डिस्कार्ड हो जाए. तो ये राउटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर वो कोई चीज़ चेंज कर रहा है. मतलब ये चीज़ें कुछ, मतलब स्पेसिफिक चीज़ें पूरा चेंज नहीं कर सकता राउटर, वो कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज करनी, उन चीज़ों को अगर ये चेंज कर रहा है तो ये चेकसम में भी, हेड चेकसम में भी वो बिट्स जो हैं, जो 16-bit की वैल्यू होगी उसमें भी चेंज करेगा. डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए जो 16-bit की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है पूरे हेडर की कुछ वैल्यूज़, और अगर इसमें चेंज आता है तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा. बट राउटर अगर कोई इंपॉर्टेंट चेंजेस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करने, जैसे कि TTL या फिर कुछ ऑप्शंस या फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करते हैं, साथ के साथ हेडर चेकसम की ये 16-bit की वैल्यू भी चेंज करेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रोज करेंगे.